देखिए सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने देखा फर्स्ट मार्च को भारत सरकार की ओर से आदरणीय अमित शाह जी की ओर से एक बहुत बड़ा एक फैसला बीडीसी के संदर्भ में आया। बीडीसी के जो लोग जो विलेज डिफेंस कमेटीज जो लगभग पिछले 30 सालों से बनाई गई थी, ये लोग दूरदराज क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार मैं कहूँगा लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते थे। तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड जो थी वो आदरणीय मैं कहूँगा अमित शाह जी ने हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पूरी की है। और आज इन्होंने एक अपना एक मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास आदरणीय हमारे बीडीसी के जो हमारे सेल्स के हमारे कन्वीनर हैं बसंत जी और नरेंद्र जी, उनके पूरे प्रयासों से आदरणीय हमारे सुनील शर्मा जी जो इस काम को विशेष तौर पर देख रहे थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया है। आदरणीय सुनील जी का आभार व्यक्त किया है। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, आदरणीय अशोक कोल जी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने आज एक कार्यक्रम सबको मैं कहूँगा बधाई देने के लिए इन्होंने कार्यक्रम रखा था, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स थी लगभग 30 सालों से, ये 31,000 जो बीडीसी के मेंबर्स थे इनको आज भारत सरकार ने मैं कहूँगा एक बार फिर से इनको रिकॉग्नाइज किया है। इनको 4,000 रुपये सैलरी और हर साल में 500 रुपया कहीं ना कहीं इनको इंक्रीमेंट के तौर पर मिलेगा। और साथ ही साथ जब ये लोग सुरक्षा के लिए वहाँ पर अपने लोगों की सुरक्षा में के लिए काम करते थे, इनके पास जो वेपन्स थे वो कहीं ना कहीं नदारद थे, और भारत सरकार ने इनको इंश्योर किया कि आने वाले समय में इनको जो नए जो वेपन्स हैं वो भी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दिए जाएंगे। और आज ये लोग बहुत खुश हैं और चढ़वाल क्षेत्र में ये जो बॉर्डर का हमारा एरिया है, आज एक बहुत भव्य रैली इन लोगों ने अपने पूरे इलाके में यहाँ पर निकाली है। मैं अपनी तरफ से तमाम कठुआ जिला के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से जितने भी हमारे बीडीसी के मेंबर्स हैं सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा करता हूँ जिस प्रकार
इन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जो अपनी सेवा दी है, राष्ट्रभक्त ये लोग भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से भरोसा करते आए हैं, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा अपना कायम रखेंगे। और मैं अपनी तरफ से, आज होली का दिन भी है, होली के दिन पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मीडिया के माध्यम से सभी कठुआवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इनका जो कार्य जो शिवरात्रि के दिन मैं कहूँगा संपूर्ण हुआ है, भगवान शिव ने इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद कहीं ना कहीं दिया है, मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से आज इस बहुत ही खुशी के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी बताएं, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है चरवाल में, किस विषय पर किया जा रहा है और क्या हम बातें जो की गई? ये जो आज कार्यक्रम है, जो एक जो हमारे बीडीसी के मेंबर हैं, इनको जैसे आज आपको पता है 4500 रुपया और जिनका जो अलग अलग अकाउंट में जो आना शुरू हो जाएगा अभी जल्दी, बहुत जल्दी, और इसके लिए एक लड़ाई लड़ी हमारे, जैसे हमारे बसंत ठाकुर जी हैं और इनके साथ हमारे सुनील शर्मा जी हैं, हमारे पूरे जितने भी बीजेपी के अरविंद रैना जी हैं, अशोक कोल जी हैं, अभी हमारे साथ जैसे अभिनंदन जी हैं डीडीसी हीरानगर से, और सब ने ये मिलकर लड़ाई लड़ी है एक, और आज इनको ये उस लड़ाई का फ़ायदा हुआ कि इनको जो अधिकार मांग रहे थे वो मिल गया है। और मैं यही चाहता हूँ कि एक बीजेपी ने ही इनको दिया है और आज उसी की खुशी में आज ये ढोल नगाड़े बजाकर पूरे डांस नाच कर करके आज हमारे पूरे जिला कठुआ में, जहाँ आपने देखा ही होगा काफ़ी भव्य कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी संख्या में ये लोग सभी आए हैं, क्योंकि इनको एक आस जगी है कि क्योंकि एक बड़ी कम सैलरी थी इनकी, आज इनको 4,000 में रखा गया है। आए दिन इनका पहले आपस में झगड़ा चलता रहता था, क्योंकि ये एक कमेटी बनाई थी 5 मेंबरी कमेटी, उसमें क्या होता था कि बीडीसी होता था और उसके साथ ही 3 मेंबर होते थे, जो सैलरी थी वो बीडीसी के खाते में जाती थी और बाद में जो इनको बांटना पड़ते थे, वो कोई देता था कोई नहीं देता, उसमें झगड़ा होता रहता था। आए दिन हमारे पास भी डेपुटेशन ऐसे ऐसे मिलते रहते काफ़ी गाँव से कि ये हमें कुछ नहीं मिलता, ये हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा सैलरी अलग से करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ये चलता रहता था। तो ये हमेशा जो ये इशू बना रहता था, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, इन्होंने इनको अलग अलग करके आज 4,000 रुपया एक खाते में जाएगा, किसी 4,500 रुपया खाते में जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा पुराना इशू था, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, आज पूरी हुई है। मैं चाहता हूँ ये भी बड़ा कम है एक परिवार में, ये 4,000-5,000 कुछ भी नहीं है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी, मैं चाहता हूँ जैसे आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनती है तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये कम से कम भी मैं चाहता हूँ 18-20 हज़ार रुपया एक बीडीसी को मिलना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये इनकी काफ़ी मेहनत रहती है और जो भी कोई अगर इलाके में जो अपने गाँव में कोई इशू बनता है तो यही लोग जो आगे होकर आते हैं, कोई हमारा बॉर्डर एरिया जैसे जहाँ काफ़ी मिलिटेंसी रहती है, क्रॉसिंग रहती है, ये बीडीसी के ये लोग हैं पूरा पूरा रात ये नाके लगा कर बैठे होते हैं और ये हमारे पूरा डिफेंस करते हैं और हमारे पूरे लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, काफ़ी सारे लोग इनमें से शहीद भी हुए हैं ऐसी इसी जो लड़ाई लड़ते लड़ते। और मैं चाहता हूँ कि इनको अधिकार जो है इनके जो मिले हैं बड़ा अच्छा, हमारी पार्टी का जो फैसला है, अमित शाह जी को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं, आज ये लोग, हमने इनको नहीं बुलाया, इन्होंने आज हमें याद किया है। और मैं चाहता हूँ कि देखो इनका काम होने से इन्हें कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया और जश्न मना रहे हैं और बीजेपी के नारे लगा रहे हैं झंडा लेकर, ये एक बड़ा बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को बीजेपी ने फायदा दिया, लेकिन मैंने नहीं देखा कितने करोड़ों फायदा लेने वाले, बड़ी बड़ी सैलरी वाले भी लगे, लेकिन ऐसा जश्न मैंने नहीं देखा जो आज इन्होंने मनाया है। ये एक छोटे मुलाजिम हैं लेकिन बहुत बड़े दिल के हैं ये, और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे इशू, आज ये बीडीसी का इशू है, हमारे बॉर्डर के जो इशू थे वो भी बीजेपी ने हल किए, अगर रिफ्यूजियों का कोई मसला था वो भी बीजेपी ने हल किया, और जो भी जितने पेंडिंग डिमांड थी वो लोगों की हमेशा धीरे धीरे पूरी हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहो और अपने जितने भी पेंडिंग इशू हैं, चाहे जितने हमारे डेली विजन हैं, चाहे PDD के हैं, चाहे PHE के हैं, चाहे PWD के हैं, जितने भी हमारे जो डेली विजन हैं, हम उनके लिए भी लड़ाई चल रही है अभी, हम चाहे कोशिश करें उनका भी जल्दी इशू हल हो, हाईकमान इसके लिए भी पूरी प्रतिबद्धता से तैयार है और बहुत जल्द उनका भी इशू हल होने वाला है। जिसे बताएं BDC BDG अब बने हैं, उनको लेकर चर्चा यहाँ पे की जा रही है, क्या देखते हैं कितना बड़ा कदम है भाजपा सरकार का कि इनको वापिस जो है वो रिस्टार्ट किया गया? देखिए हम तो बेहद खुश हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा लगाया है नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास, इसी तरीके से जो VDC के लोग थे जब पीक पर मिलिटेंसी थी, खास करके जिन जिलों से मैं आता हूँ, डोडा ज़िला किश्तवाड़ है, रामबन है, या आपकी ये बनी बसोली का एरिया कठुआ ज़िला का, या उधमपुर का जो ऊपर का एरिया है, चाहे वो हरनास है, चाहे रामनगर का एरिया है, चाहे ऊपर के एरिया हैं, जब मिलिटेंसी पीक पर थे, बहुत सारी किलिंगें हुई हैं उस वक्त, मास माइग्रेशन हुई है एरियो से, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा था जम्मू कश्मीर के अंदर स्वर्गीय चमलाल जी गुप्ता जी के नेतृत्व में और दयाकिशन कोतवाल जी के, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद VDC का क्याम हुआ। उस वक्त
हालात ख़राब थे, कोई पॉलिसी नहीं बनी, जल्दबाजी पर लोग भी चाहते थे हमें से बंदूकें मिलें, तनख्वाह का सवाल नहीं उठा उस वक्त, क्योंकि लोग चाहते थे हमारी जानें कैसे बचें, हम कैसे बच सकते हैं। तो मैं बार बार इस बात को आप पत्रकार भाइयों के सामने भी, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के अंदर भी, चाहे दिल्ली की हो या जम्मू की हो या चाहे कि डिस्ट्रिक्ट की हो, मैं इनको जितने VDC के मेंबर हैं इनको 10 बार भी असलूट किया जाए उतना काम है, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बंदूक पकड़ते ही हालात भी काबू हुए और आपसी भाईचारा भी बनाया रखा। तो इसलिए आज ये जो फैसला भारत सरकार ने लिया है इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और जम्मू कश्मीर में आज अमित शाह साहब आ रहे हैं, इसके लिए तमाम VDC वाले आज उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, रविंद्र राणा जी का, अशोक कोल जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और ख़ास करके सुनील शर्मा जी का, जिन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, क्योंकि उनके ऊपर जुवारी थी और जानते थे डोडा डिस्ट्रिक्ट की क्या हालात है, VDC की जब बनी थी तब से लेकर आज तक जानते हैं। तो आज इसीलिए आज यहाँ पर ये जो यहाँ का इलाका है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर हर इलाके से जहाँ जहाँ VDC वहाँ के कुछ लोग आए हैं, और आज एक खुशी का माहौल में, आज होली का त्यौहार भी है, दोनों चीज़ की खुशियाँ मनाने के यहाँ पर आए हैं, बहुत खुशी हुई है। और मैं कहता हूँ इनको मुबारकबाद देता हूँ, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि बहुत सारे फैसले जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, मगर जितना स्वागत VDC के लोगों ने किया है शायद इतना किसी और ने नहीं किया है, क्योंकि इनको बिचारों में बाकी देखो पिछले दिनों कुछ डेली वेजर भी परमानेंट किए, मगर इतना नहीं हुआ है आज भी। और इन्होंने VDC के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ये कुछ कर सकती है, तब जाके ये मसला हल हुआ। अभिनंदन जी बताएं, VDC बहाल किए गए हैं, बॉर्डर क्षेत्र है आपका, हीरानगर बेल्ट से आप आते हैं, क्या देखते हैं फायदा मिलेगा युवाओं को और उनमें सदस्यों को जो सेवा करते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी VDC मेंबर हमारे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के सुन रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद दूंगा, और उनका खासकर तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करूंगा कि उन्होंने ऐसा कदम लोगों के हित में उठाया, और लोगों के हित में उठाने के बाद आज इन्हीं लोगों की आवाज़ है कि एक जो हमें शराब था उससे अगर हमें मुक्ति मिली है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। तो आने वाले समय में जितनी भी समस्याओं का हल है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कुछ समस्याओं का अभी हो रहा है, कुछ समस्याओं का थोड़े दिनों में होगा, और जो निरंतर समस्याएं उत्पन्न होगी उनका हल होगा। जैसे कई समस्याएं पिछली सरकारों ने, हुकूमतों ने पैदा की हुई थी, ये समस्याएं उनकी पैदा की हुई है, लेकिन हमारे सामने काफ़ी समस्याएं अभी सामने हैं, और एक एक करके कोशिश है कि सारी समस्याओं का हल होगा। इसी की तर्ज पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में डेली वेजर्स का भी जो मसला है वो हल होगा, उनका वो भी पक्के होंगे। इसके लिए कोई ना कोई जैसे सलूशन कह सकते हैं, कोई ना कोई इसका कैसे हल किया जा सके, इस पर दिन रात भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है, और दिन रात भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन कर रही है। और आप ही के माध्यम से सुनील शर्मा जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इन लोगों की जो समस्या थी वो अमित शाह जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने रखी। तहे दिल से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूँ, रविंद्र राणा जी का, अशोक कोल जी का, जितने भी हमारे जिला के सदस्य हैं उन सभी का, कि उन सब ने मिलकर इस इतनी बड़ी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया और अंत में उसको जमीनी स्तर पर उतारा। जय हिंद जय भारत।